स्टार लाइफ। दर्शकों नमस्कार, स्टार लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं दर्द जब लाख बार छनता है तब जाके एक अभिनेता बनता है। ऐसे ही एक अभिनेता जिनका दर्द लाख बार छना होगा, पर्दे के पीछे की बात है, आज वो हमारे बीच हैं। हरियाणा के ही हैं, हरियाणा में ही जन्मे हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, लेकिन आज उनका कर्म क्षेत्र मुंबई है। और आज मुझे ये लगता है कि हरियाणा के कलाकार परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते वो हरियाणा को मुंबई में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टार लाइफ के स्टूडियो में यशपाल शर्मा जी का, जो हमारे कलाकार परिवार के बड़े बेटे हैं। यशपाल भैया, आपको देख के आज बहुत सारे नौजवान एक्टर बन रहे हैं, तो कुछ ऐसी बातें, क्योंकि बहुत सारी बातें तो लोगों को पता है, वो फिल्मों के जरिए आपको देख भी चुके हैं, नेट पे भी आपके बारे में बहुत कुछ लिखा है, विकिपीडिया आपको बहुत फॉलो करता है, कुछ ऐसी बातें जो शायद कलाकारों को ना पता हो, हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न इस कड़ी में मेरा ये है कि हिसार की कैनाल कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में पैदा हुए बिट्टू ने रामलीला से शुरुआत की, तो वो शुरुआत जो बिल्कुल जैसे लगता है फूल जब की कोपले जब फूट रही होती हैं, वो अनुभव बहुत अलग होता है, तो वो रामलीला की शुरुआत कैसे हुई, उस बचपन के बारे में हमें बताएं। बच्चे थे जी और अनकंफर्टेबलनेस शायद एक थी। अच्छा, स्कूल में के कुछ था पता नहीं, कुछ खेलते थे पता नहीं, इसलिए पेड़ों पे चढ़ जाते थे या नालियों में, वो क्या बोलते हैं, वो पीले पीले भेड़ उनको मारना, या फिर पता नहीं लकड़ियां चुनना या गोबर चुनना, बकरी चराना, ये सारे काम होते थे काफी सारे। लेकिन एक कुछ कमी महसूस होती थी, पतंग उड़ बताओ, एक 20 पैसे की पतंग होती थी, साला एक झाड़ लेकर के कई किलोमीटर भागते थे उसको लूटने के लिए, सही। और ताकि उस जमाना तो खैर चला गया, लेकिन उस जमाने का जो अहम हिस्सा है रामलीला, उसकी शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। तो हम लोग तो देखते थे, मतलब कि हमको रामलीला देखी हुई थी अगल बगल में बड़ी बड़ी रामलीलाएं, तो उसका कुछ असर था बचपन से, क्योंकि हम जब गोदी में थे तब से देखना शुरू किया था रामलीला। ठीक है, तो हमको सबसे स्ट्रॉन्ग चीज जो याद थी वो थी धिंगड़ धिंगड़ धाड़ धाड़। ओके, राम रावण की लड़ाई, दंग दंग तक तक दंग दंग, हम बोलते थे धिंगड़ धिंगड़ धाड़ धाड़, धिंगड़ एक तीर कमान एक तलवार लेकर के और ऐसे कर रहे हैं। तो वहां से उस गेम से शुरुआत हुई उसकी। और फिर एक मास्टर फकीरचंद परदेसी थे जो हारमोनियम बजाते थे, उन्होंने, उनका पूरा परिवार कलाकारों का परिवार था, तो उन्होंने हमें जसवंत सिंह का एक रामलीला लिखा हुआ था, उसको एक्टर रिहर्सल करवा करके फिर हमने पर्दे वर्दे लगा करके बोरी वोरी साड़ी वाड़ी पुरानी इकट्ठी की और एक स्टेज बना करके मोहल्ले में शुरू कर दिया, मोहल्ले में जी। और ऐसे ही कुछ लोग आते गए, धीरे धीरे जुड़ते गए, पता लगा हम बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, कभी जोकर बन रहा हूँ मैं, कभी हनुमान बन रहा हूँ, तो बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो बड़ा मजा आया जब हम कुछ जोक करते थे, धर्मवीर और मेरी जोड़ी थी, तो हम जब कुछ भी बोलते थे तो बहुत इंजॉय करते थे, लोग हंस हंस के पागल हो जाते थे, तो बस बीज वहीं से गिरा। ओके, बीज वहां से गिरा, कोपले फूटी और उसके बाद आज एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं भैया हमारी नजर में। हालांकि ये बहुत धरातल से जुड़े हैं और ये मानते हैं कि अभी तो इनका सीखने का दौर जारी है। भैया, क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे कलाकार आपको फॉलो करते हैं, तो आप किसको फॉलो करते रहे शुरू से ही? हर एक्टर के मन में कोई ना कोई एक छवि होती है कि इन जैसा बनना, तो आपके मन में किसी ऐसे एक्टर की छवि, बॉलीवुड हॉलीवुड या फिर? नहीं, मेरा बस यही समस्या रही, मुझे बॉलीवुड के बहुत ज्यादा एक्टर पसंद नहीं आते थे, मैंने किसी को भी फॉलो नहीं करता था कि यही कमाल है। हाँ, लेकिन कॉलेज टाइम में जब राजीव मनचंदा के साथ मैंने नाटक, राजीव मनचंदा जी स्वर्गवासी हो गए, वो शांति कुछ ही टाइम हुआ,
12 दिन हुए हैं जी बिल्कुल, उनको उनका देहांत हुआ जी बिल्कुल, वही मेरे फर्स्ट गुरु हैं, स्तंभ थे रंगमंच के हरियाणा के, हरियाणा में अगर सीरियस थिएटर की नेशनल स्कूल ड्रामा के पास थे हमारे सीनियर थे बिल्कुल, और अगर गंभीर रंगमंच की शुरुआत अगर किसी ने की है और उनको बिल्कुल पितामह मान सकते हैं हम बिल्कुल, और उन्हीं से हमने किया है शुरुआत, तो उनके थ्रू मुझे ये एहसास हुआ कि नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, नाना पाटेकर, स्मिता पाटिल, ये लोग अच्छे एक्टर हैं अच्छा, और मुझे उनकी तरफ ही रुझान ज्यादा हुआ। ओके, बाकी फिल्में देखते थे हम भाग भाग करके, छुप छुप करके, धर्मनगर में या कुछ और लोग हम कभी कभार भाग करके, क्योंकि घर में फिल्म देखना पाप माना जाता था कि गलत आदमी गलत है, एज यूजुअल आज से 20 साल पहले ऐसा ही होता था। तो वहीं से वो शुरुआत हुई और वहीं से उन उन एक्टरों के प्रति मेरा रुझान बढ़ा। तो मेरे ख्याल से बिगिनिंग का वो दौर जब होता क्या चलता था, तमस चलता था और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ओमपुरी कथा सार जी बिल्कुल चलता था, ये मेरे पसंदीदा सीरियल थे। तो वहां से टेस्ट चेंज हुआ और कब वो एक गंभीरता को प्राप्त हो गया, मुझे कभी सपने में भी नहीं पता था कि मैं ये करूंगा, इससे पैसा कमाया जा सकता है अच्छा, एक्टिंग से अच्छा। तो वहां से मैंने एक पता चला कि एनएसडी नाम की एक चीज है, इंडियन थिएटर है चंडीगढ़ में, एनएसडी में चार बार नहीं हुआ, फिर मैं चंडीगढ़ गया, वहां हो गया 90 में, फिर अगले साल मेरा एनएसडी में हो गया, फिर एनएसडी में ट्रेनिंग लिया। तो उससे पहले हिसार में ही स्ट्रगल करते रहे, मुझे पढ़ते रहे साथ साथ। एनएसडी में दाखिला होने से पहले भी शायद आपने कुछ ऐसा कमर्शियल काम किया थोड़ा बहुत? कभी नहीं जी, कमर्शियल तो कुछ भी नहीं किया जी, फिल्मों में जाना तो मेरा उद्देश्य था ही नहीं कभी। ओके, फिल्मों में तो मैं एनएसडी के बाद भी 2 साल बाद, 2.5 साल बाद गया हूँ जी बिल्कुल, फिल्म एनएसडी के जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा उद्देश्य कमर्शियल कुछ भी नहीं, ना मैंने कुछ किया उससे पहले, सिर्फ मैं एक बार, मुझे इतना याद है, इंडियन थिएटर का एक साल का ट्रेनिंग किया, 2 साल था लेकिन मैंने 1 साल किया। अखबार में मैंने एक हिसार में पढ़ा कि नेहरू शताब्दी समारोह, 89 की बात है ठीक है, नेहरू शताब्दी समारोह एक नाटकों का फेस्टिवल है, उसमें उत्पल दत्त का, हबीब तनवीर का और नाटक थे, कुलभूषण खरबंदा का नाटक था, सत्यदेव दुबे का नाटक था जिसमें अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह और उत्तरा बावकर ये लोग थे, शफी नामदार ये लोग थे, इस तरीके से बहुत सारे नाटकों की लिस्ट थी, 15 नाटकों के ठीक है। तो मुझे नसीरुद्दीन शाह का नाटक देखना था मुझे ये हिसार में, और मैं उन दिनों चांदी का काम कर रहा था, चांदी का काम मतलब जो 300 रुपए से शुरू किया था कभी, तो उस वक्त तक मैं तकरीबन 15-20 हजार रुपए महीना कमा लेता था। हाँ, उस समय में वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने नीचे वर्कर रखे हुए थे, चांदी लेते थे 1 किलो, उसके गहने बनाने और ये पूरा मैंने पूरा ताम झाम काफी। तो वहां पर मैं नसीरुद्दीन शाह का नाटक देखने में बिना किसी को बताए सब बंद करके और मैं घर से भाग गया अच्छा। मैं और धर्मवीर अच्छा, और हम चले गए दिल्ली और नाटक देख के आएंगे मंडी हाउस जी। और वहाँ हम रहे उस दिन 2-3 दिन गिरीश के घर, गिरीश अच्छा। हमारे एक सीनियर वहाँ रहते थे जी बिल्कुल, हिसार के ही है वो भी बिल्कुल है, वो आज फिल्मों से जुड़े हुए डायरेक्टर भी है, राइटर भी है बिल्कुल अच्छा। तो वहां मच्छर बहुत काटते थे, लेकिन हमने वो नाटक देखा, टिकट के तो पैसे नहीं खर्च किए हमने, किसी तरीके से घुस घुसा के कमाने में था, वो नाटक देख लिया तो हमें पता लगा यार नाटक ऐसे होते हैं, कमाल है यार, बहुत बढ़िया लगा हमें। ये 90 की बात है, 89 की, नवंबर 89। ओके, फिर उसका अगला नाटक भी देख लिया, उसका अगला भी देख लिया, सारे नाटक देख लिया और हबीब तनवीर का आगरा बाजार भी देख लिया। तो वो सारे नाटक देखने के बाद हमारी दुनिया बदल गई अच्छा। हमारी दुनिया बदल गई कि अब नहीं जाएंगे घर वापस अच्छा। और हम वहां मिलते रहे कहीं कोई काम मिल जाए okay। तो वी के शर्मा एक हमारे सीनियर है, खोसला का घोसला में एक्टिंग किया उन्होंने जी, वो खिलौना ग्रुप चलाते हैं, तो उनके ग्रुप में शामिल हो गए। 700 रुपए महीने पे हम वहीं किराए पे एक छोटा सा कमरा लिया, 450 रुपए का, बलजीत नगर में, पटेल नगर के पास, और फिर 450 में 225 में, ऐसे करके हमने वहां से 700 रुपए महीना क्या रिपेट्री में मिलता था? रिपेट्री में नहीं, खिलौना थिएटर फॉर चिल्ड्रन ओके, जो बच्चों के लिए स्कूलों में जाके नाटक करते थे ठीक है, और उसमें हमने नाटक करना शुरू किया। तो महीने में 700 रुपए मिलते थे। Star Life.
Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now, www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment. हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए.